नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल BSF में आपके वाटर विंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए। देख सकते हैं वाटर विंग 2024 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 लास्ट डेट रखी गई है। 1 जून से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, मतलब 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म। अब कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको काम कर देना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट स्टार्ट डेट आपकी 1 जून है, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 31 जुलाई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जनरल OBC डोलेस कैंडिडेट है 200 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप SC ST या एक्स सर्विस मैन है तो 9 फीस, आपकी कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ग्रुप सी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का, तो आपको जनरल OBC डोलेस कैंडिडेट को 100 रुपये फीस है, SC ST एक्स सर्विस मैन वालों को 0 बैलेंस है, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है दोस्तों। 1 जुलाई 2024 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी। इसमें 4 सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर दे रखे हैं, और हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट की आपकी मिनिमम 22 और मैक्सिमम 28। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते तो आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, ये 10वीं क्लास से है, कुछ इंटर से भी है, और 2 साल का सर्टिफिकेट आपका ड्राइविंग लाइसेंस का भी मांगी गई है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की भी निकाली गई है इसमें पोस्ट। तो जिस पोस्ट को भी आप मतलब भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं आप। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हाइट देख सकते हैं आपकी 1.65 हाइट है, ST वालों को 1.60 हाइट है, चेस्ट 75-80, ST की 73-78 चेस्ट 8 मिनट में, ये 8 मिनट में। लॉन्ग जंप 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच लॉन्ग जंप, 11 फीट 11 फीट। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, एग्जाम होएगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होएगा, स्किल टेस्ट होएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा, मेडिकल होएगा आपका। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। अब इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको विन वाटर विंग, इस पर आप क्लिक करोगे अप्लाई वाले ऑप्शन पर। हम दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है समझ लीजिए। अगर मान लिया दोस्तों आप पहले से रजिस्ट्रेशन है इसमें पोर्टल में, तो आपको सीधा लॉगिन करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, OTP डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है अपना, और अपना पासवर्ड डालना है। अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं ईमेल आईडी के द्वारा, या मोबाइल नंबर पर आपका आ जाएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म को लॉगिन करोगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको नाम डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर आएगा, फिर आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए याद रहा है आपको आधार नंबर आपको डालना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर डालिए, फिर से आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है जिसमें से एक आईडी उसका नंबर आपको डालना है, फिर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी जन्मतिथि आपकी वो डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी, कितनी आयु है आपकी, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा, फिर आपका पिताजी का नाम आपको फिल करना है, माताजी का नाम डालना है, बॉडी मार्क डालना है, चेहरे पे तिल कट मार्क जो भी है वो डाल सकते हैं, उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है, मैरिड है इन मैरिड है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपके पास UP का, तो आप इसे यस कीजिए, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल का स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर नीचे आना है, धर्म आपको अपना चुनना है, कौन से धर्म से आप, हिंदू मुस्लिम जैन सिख बौद्ध ईस्ट जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपकी जाति कौन सी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, जो भी जाति है वो सेलेक्ट करेंगे। उसका जाति का नंबर आपको फिल करना है दोस्तों। अगर आप जनरल से अलावा किसी भी कास्ट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र का आपको नंबर डालना कंपलसरी है। तो जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है, फिर कौन से स्टेट से जारी हुआ है वो डालना है, जिले का नाम डालना है, किसने जारी किया है उसका नाम डालना है, और जारी करने की तिथि आपको डालनी है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो भी है, मैं तो डायरेक्ट उधर डायरेक्ट में सेलेक्ट करूँगा, बाकी आप देख लेना जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया अगर आप विकलांग है तो यस करिए, नहीं तो नो। अगर आप एक्स सर्विस मैन है यस कीजिए, नहीं तो नो। अगर आप डिपार्टमेंट में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपको कर देना है सेवन नेक्स्ट। अब हो जाएगा डाटा आपका सेव। यहाँ पे डाटा सेव आ चुका है, लिखा हुआ है अब आपको करना क्या है। आपको करना है यहाँ पे आपको एड्रेस अपना फिल करना है, जो भी एड्रेस आपका, सारा एड्रेस आप फिल कर देंगे, A to Z, पिन कोड वगैरह, थाना वगैरह आपका फिल कर देंगे एक अच्छे से चेक करने के बाद। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको परमानेंट और प्रजेंट एड्रेस दोनों में एक से एड्रेस डाल देना, अलग अलग है तो अलग अलग भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका NCC का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, क्या आपके पास NCC का प्रमाण पत्र है, अगर है तो इसे यस करिए। और उसके बाद जो भी आपके पास है उसे आप ABC जो भी है प्रमाण पत्र उसे आप दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। फिर आएगा आपकी हाइट, हाइट आपसे पूछी जा रही है तो हाइट आपको अपना फिल कर देना है। तो मेरी जो हाइट यहाँ पर रखी गई है वो देख सकते हैं, मेरी हाइट मेरी 1.72 हाइट है, और चेस्ट की बात करें तो 82 रखी गई है, और वेट मेरा 50 रखा गया है। तो बाकी जो भी है आपका वो आप रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको नो करना है, तिले नहीं है, आपके नाम से कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है। तो तीनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर नो ही करना है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर डालनी है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी डिटेल डली हुई है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन ITI की। अगर आपको डालनी है तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, आपको जैसे हाई स्कूल की डालनी है, हाई स्कूल पर आप क्लिक करोगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालनी है, उसके बाद स्टेट का नाम डालना है, बोर्ड या विद्यालय का नाम आपको फिल करना है, ऐसे इंटर का आपको फिल करना है, डिप्लोमा है डिप्लोमा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, ITI है तो ITI, जो भी आपके पास जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा ये सेव हो जाएगा। ये डाटा सेव हो चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सेवा करते हैं, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक। उसके बाद आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपकी प्रोफाइल हो जाएगी सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करोगे आप। अब यहाँ पर पोस्ट आ चुके हैं, जौन सी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने हैं, यहाँ पर सारी पोस्ट आपकी दी हुई है। इनमें से देख लीजिए कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसी पोस्ट को आप क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं क्लास कर लिया तो यस ही कीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जनरल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश। अगर आप इन स्टेट से आते हैं तो आप देख लीजिए कौन कौन से स्टेट आपके दिए हुए, अगर इनमें से आपका स्टेट है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से नहीं है तो आप जनरल काउंटिंग करेंगे। और उसके बाद आपको कर देना है अपनी हाइट आ जाएगी आपकी, आपकी चेस्ट आ जाएगी, आपका वेट आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपको अपलोड करनी है अपनी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी आपके पास उसे आप अपलोड करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद कर देना है मुझे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों
प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे आप अपना प्रिंट अच्छे से। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको प्लेस का नाम डालना है जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और उसके बाद आपको अपना एग्जाम सेंटर डालना है, जी कहाँ के लिए आप अपना एग्जाम सेंटर डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं अपना एग्जाम सेंटर। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, अब आपको पे या नाउ एग्री को लेके उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन पर ले जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी ठीक लगे उससे आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। वाटर विन का मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी जानकारी लेनी है आप मेरे से ले सकते हैं। अगर ये अपडेट आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना मोंटी जन सेवा केंद्र को। और अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आज के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों सभी का।